सो आज अपथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स का फाइनल्स डे टू खत्म हो चुका है, तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स पहले देख सकते हो, फिर यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट दिखाऊंगा। सो रैकनिंग ईस्पोर्ट्स अभी भी टॉप पे है और आज भी एक चिकन निकाले थे, कुछ मैच में कंसिस्टेंट रहे बट कुछ मैच में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा, तो ये यहाँ पे फिर भी अच्छा खेले, पॉइंट का लीड देख सकते हो 50 पॉइंट्स का। सो मेरे हिसाब से रैकनिंग ईस्पोर्ट्स जीत चुकी है, क्योंकि 6 मैच में 50 पॉइंट निकालना, वो भी गॉडलाइक को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पे गॉडलाइक है। आज थोड़ा सा गेम अच्छा गया है, सेकंड पे आ चुके हैं। फिर मेडल ईस्पोर्ट्स अभी भी कंसिस्टेंट है थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और फिफ्थ पे आईक्यू सोल, फिर कार्निवल गेमिंग, फिर टीम एक्सिस पार्क। तो यहाँ पे बहुत सारी टीम्स ऊपर आई है, आज यहाँ पे लगभग हर एक टीम एक ना एक गेम में अच्छा परफॉर्म किए ही है। उसके बाद फिर जेनेक्स FM है 8 नंबर पे, एंड आगे देख सकते हो तो रेवनेंट ईस्पोर्ट्स, फिर NDT, एनिगमा, 8-bit, टीम तमिलास, गुजरात टाइगर, WSB एंड टीम THW। तो टीम THW WSB का उतना अच्छा गेम नहीं जा रहा है, बट चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे लास्ट डे बचा हुआ है, सो चैंपियन तो लगभग फिक्स है। अगर हाँ गॉडलाइक कुछ एक्स्ट्रा अच्छा खेल देते, दो तीन गेम में चिकन निकाल दिए, तो भले कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट रैकनिंग उसमें भी रैकनिंग को खराब खेलना पड़ेगा, तो देखते क्या रहेगा। एंड MVP रैंकिंग, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसमें देख सकते हो RG के वाइपर है टॉप पे, सेकंड पे कैफ है, थर्ड पे जॉनथन है, फोर्थ पे निंजा जॉर्ड एंड फिफ्थ पे निंजा बॉय। सो जॉनथन का यहाँ पे आज जो गेम में गॉडलाइक अच्छा परफॉर्म किया तो फिनिशेस निकाले थे, सो वो आ चुके थर्ड नंबर पे। तो यस, MVP कोई भी बन सकता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पे कुछ हाईलाइट एंजॉय करो। जैसे अभी फर्स्ट गेम में भाई RG के वाइपर जो प्लेयर है ना भाई, मतलब अभी बोल सकते हो एक राइजिंग स्टार है। 1v4 करते हैं TX को, फिर यहाँ पे जो गॉडलाइक का चिकन गेम आया था उसमें कुछ बढ़िया सा मोमेंट देख सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। फियर्स अकेले काफी ज्यादा कोशिश तो कर रहे हैं, बट बाकी की टीम से सपोर्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट ये क्या, टीम एक्सपार्क और रैकनिंग के बीच में एक फाइट हो गई, तीन खिलाड़ी रैकनिंग की तरह से नॉक डाउन हो गए, और टीम एक्सपार्क के पास एक मौका जरूर है। निंजा बॉय द प्रिंस, ही विल गेट शट डाउन। वाइपर कोई प्रिंस नहीं चलेगा, ये नया एरा है। ईस्पोर्ट्स के ऊपर तुरंत जैसे ही गॉडलाइक अटैक आया, कोशिश अच्छी थी रिटालिएशन की, लेकिन अब आर्कलिन को निकलने के अलावा कोई और रास्ता मिला नहीं। इसके ऊपर है, इनकी तरफ खिलाड़ी बढ़ तो रहे हैं, डिस्टेंस से कवर फायर प्रदान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दो खिलाड़ी, एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, गॉडलाइक सेम पेस ऑन अ रोल। ये तब है जो कि पीछे से आने वाले उस खिलाड़ी को जरूर से तंग करेगी कि एंट्री रोकी जाए, और सामने शैडो फाइट दे रहे थे, बट दोनों प्लेयर्स ने एक साथ एंट्री की और समापन मिला, सात फिनिशेस टीम गॉडलाइक के नाम पे है। फायदा छीनने की एक पुजोल कोशिश दिखने वाली है, जॉनथन के हाथ ग्रेनेड है जरूर से, बट क्या वो गोल्डन हैंड प्ले, वो देखिएगा ग्रेनेड रिबाउंड होता हुआ, ग्रेनेड काम करता हुआ, वांट टू मेक अ सिंगल मिस्टेक एट द मोमेंट, ये चिकन डिनर को अपना बनाना चाहते हैं, एक और फिनिश निकालना चाहते हैं, देयर वी गो।